रहीम लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी याद पर। हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ब्स को। लास्ट लेक्चर्स में हमने गोदन वर्ब्स और इचिदन वर्ब्स के बारे में पढ़ा, उनकी पहचान पढ़ी, वो क्या है, कैसे हम उनको नेगेटिव बनाएंगे, कैसे हम उनको ते तापों में चेंज करेंगे, उनकी बेसिस में हम उसको कैसे चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। आज का जो हमारा वर्ब्स का लास्ट टॉपिक है वो है इररेगुलर वर्ब्स। जापानी ज़ुबान के अंदर इररेगुलर वर्ब की तादाद दो है, कुरू और सुरू। कुरू, कुरू का मतलब है टू कम आना और सुरू का मतलब है टू डू करना। उसको हम आ फॉर्म, ई फॉर्म, ऊ फॉर्म, ए फॉर्म और ओ फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। कुरू है, इसको आपने लगाना है रट्टा। जब हम गोदान और इचिदान वर्ब्स को पढ़ रहे थे तो उनमें कॉन्सेप्ट थे, उनको गोदान वर्ब हमने कैसे चेंज करना है, इचिदान वर्ब्स में से हमने कौन सी चीज कट करनी है और वो इचिदान वर्ब बनेंगे। इररेगुलर वर्ब चूंकि दो ही हैं, इनको हमें लगाना पड़ेगा रट्टा। कुरू, कुरू को जब आपने आप में कन्वर्ट करना है तो इसके रू खत्म करके कू को को में कन्वर्ट कर देना है। इसका सिंपल तरीका यह है कि आप इसको याद कर लें, कुरू की जो आ फॉर्म है या बेस वन है वो है कोलाई, ई फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा की बस, और ओ ऊ फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा कुरू, और ए फॉर्म उसकी बनेगी कुरेबा, ओ फॉर्म है को यो, ते फॉर्म है किते और आ फॉर्म है किताब। इसी तरह जब आप शुरू की बात करें तो शुरू की आ फॉर्म बनेगी शिनाई, और जो ई फॉर्म है वह शिमास, ऊ फॉर्म डिक्शनरी फॉर्म जो है वह शुरू, और ए फॉर्म है सुरेबा, ओ फॉर्म है शी यो, ते फॉर्म है शिते और ता फॉर्म है शिता। आ फॉर्म, ई फॉर्म, ऊ फॉर्म, ए फॉर्म और ओ फॉर्म का इस्तेमाल हम कब करते हैं, किस लिए करते हैं? आ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वर्ब को नेगेटिव बनाने के लिए। यहां पर मैंने लिखा है को नहीं, नहीं आता। कुरु का मतलब होता है टू कम आना, को नहीं, नहीं आता हूं। जब आप रूट फॉर्म में करते हैं नहीं आता तो कब का इस्तेमाल करेंगे, को नहीं। जब आप इसको पोलाइट में लेके आएंगे आप कहते हैं नहीं आता हूं, नहीं आता। जब आप पोलाइट फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या कहेंगे, की मासे। रूट फॉर्म में है को नहीं। और ई फॉर्म में आप कब इस्तेमाल करते हैं ई फॉर्म का, जब आप वर्ब को पोलाइट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। की में हमने को की में कन्वर्ट किया, रू को खत्म कर दिया, साथ में मस लगा दिया वर्ब को पोलाइट करने के लिए, तो क्या बन गया, की मस, आता हूं। कुरु डिक्शनरी फॉर्म है, बिल्कुल सेम यही है। उसके बाद आ गया ए फॉर्म। ए फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम वर्ब को कंडीशनल बनाते हैं, इफ वाले, कि अगर आता हूं क्या करेंगे, कुरे साथ में क्या लगा देंगे, बा। ए फॉर्म को जब आप कंडीशनल बनाते हैं तभी बनेगी जब आप बा लगाएंगे, कुरे बा, अगर आता हूं। उसके बाद आ गया जी ओ फॉर्म। ओ फॉर्म का इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपने वर्ब को लेट्स वाले फिक्रों में चेंज करना है। जैसे आप कहते हैं चलो आता हूं या चले आता हूं, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, को यो ऊ, को यो ऊ। इसी तरह ते और ता फॉर्म का इस्तेमाल कब करेंगे, ते फॉर्म का इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपने वर्ब को कन्वर्ट करना है ऑर्डर के लिए। यहां पर मैंने लिखा हुआ है कुरु, कुरु की जो आप जब कुरु को उसकी ते फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगी, किते। इसका मतलब है आओ, जब आपने किसी को ऑर्डर देना है आओ तो क्या कहेंगे, किते। जब आपने उसको रिक्वेस्ट या रिस्पेक्ट देनी है, इज्जत से बात करनी है या दरख्वास्त करनी है तो फिर क्या करेंगे, ते फॉर्म के साथ कुदा से लगा देंगे। जैसे हम कहेंगे मेहरबानी करके आए, तो यहां मैंने लिखा की ते कुदा सही, किते कुदा सही, मेहरबानी करके आए या मेहरबानी करके तशरीफ लाए। उसके बाद आ गया तेवम का जो तीसरा इस्तेमाल है, जब आपने कॉन्टिन्यूस जिसको आप कहते हैं फेल जारी, जब आपने उसमें बात करनी है ऐसा काम जो के चल रहा हो, जब आपने बात करनी है रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं में, तो तब आपने क्या इस्तेमाल करना है, तेवम के साथ इमस का इस्तेमाल करना है, तो आ रहा हूं की ते इमस। उसके बाद आ गया एंड फाइव लेवल पे तेवम की चार इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो है वैसे तेवम की काफी ज्यादा तेवम को हम इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद आगे तेवर का जो चौथा इस्तेमाल है वो आफ्टर डेट के बाद, तेवों के साथ आपने क्या लगा देना कारा, कुरु को जब आपने तेवों में इस्तेमाल किया तो कितने आ गया, कितने के बाद आपने क्या यूज किया कारा, कितने कारा आने के बाद। इस तरह चार तरीकों से आप तेवों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तापों में जब आपने कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, कुरु को किता में चेंज कर देंगे। तापों के इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपका एक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, काम मुकम्मल हो चुका है, जब आपने कहना है आ चुका हूं तो क्या कहेंगे किता। इसी तरह अगर हम बात करें शुरू की, शुरू का मतलब टू डू करना, इसी को अगर हम आपों में कन्वर्ट करें, आपों के इस्तेमाल कब करते हैं नेगेटिव के लिए, नहीं करता हूं कोई काम, आप कहते हैं नहीं करता हूं तो क्या कहेंगे वो काम, और उसके बाद क्या लगा देंगे शिनाई, शिनाई नहीं करता हूं, शीमस करता हूं, शुरू करना, सुरेवा अगर करता हूं, शी यो चलो करते हैं। इसी तरह तेफों में शिते और तापों में शिता। तेफों में अगर हम इस तरह ऑर्डर के लिए यूज करें शुरू को तो आएगा शिते करो, अगर आप किसी को कोई काम करते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, अगर रूट फॉर्म में बात करते हैं ऑर्डर देते हैं तो कहेंगे शिते करो, अगर आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे या अपने से बड़े से बात कर रहे हैं उसे इज्जत से बात करनी है उसको रिस्पेक्ट करिए तो क्या कहेंगे शिते उदासाई, शिते के साथ उदासाई लगा देंगे तो आएगा शिते उदासाई, प्लीज करें, प्लीज ये काम करें, मेहरबानी करके ये काम करें। अगर आप शिते के साथ ईमस लगा देते हैं शिते ईमस तो इसका मतलब कर रहा हूं, शिते ईमस कर रहा हूं। इसी तरह शिते के बाद अगर आप पर लगाते हैं तो आएगा करने के बाद, ये काम करने के बाद। इसी तरह शुरू को जब आपने उसकी तापों में कन्वर्ट करना तो बनेगा शिता, ताप जब काम मुकम्मल हो चुका है तो क्या कहेंगे शिता कर चुका हूं, शिता कर चुका हूं। तो इस तरह हमने आज जो है वर्ब्स को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने गोदान इचिदान वर्ब्स के बारे में डिस्कस किया था, आज हमने इररेगुलर वर्ब्स के बारे में डिस्कस किया है। अगर गोदान और इचिदान वर्ब्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप उन लेक्चर्स को सुन सकते हैं गोदान और इचिदान वर्ब्स को समझने के लिए। आज हमने डिस्कस किया इररेगुलर वर्ब्स के हवाले से। अगर आपको इररेगुलर वर्ब्स में किसी किस्म का कोई मसला है, समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ अली रजा सुप्रा को इजाजत दें, हमेशा खुश रहें, अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल KJLC क्यूशू जैपनीज लैंग्वेज सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।